अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग फार्मास्यूटिकल प्लेटफॉर्म से। आज का हमारा टॉपिक है स्पायरल कर्व के मुतालिक कि स्पायरल कर्व के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पायरल कर्व हमारी मेन मोटरवेज के अंदर और मेन हाईवेज के अंदर यूज़ होती हैं। ये स्पीड को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। ये एस की दोनों किस्म की LS1 LS2 की ट्रांजिशन होती है। इनकी लेंथ किसी मैक्सिमम सेम भी होती है और अलग अलग भी दी जाती है। LS1 की भी अलग लेंथ होती है, LS2 की भी अलग लेंथ होती है। तो इनको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इसके सिलसिले में एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल प्रोग्राम है। इसके साथ ये प्रोग्राम हमारे पूरे इसके कर्व्स के एलिमेंट्स को भी कैलकुलेट करके देगा, उनकी लेंथ को, और इसी तरीके से नीचे उसके सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट्स, राइट और लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट्स को भी कैलकुलेट करके देगा। तो आपने इस प्रोग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी तमाम जो एक्सेल की वीडियो हैं या ऑटोकैड की वीडियोज़ होती हैं, उन सब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जिसको आप उधर से देख के और डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो का भी बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। ये सिंपल आपने जस्ट इसके अंदर स्टार्ट स्टेशन देना है, आपने उसके बाद जो आपकी कर्व PI का डेटा होएगा उसके नॉर्थिंग ईस्टिंग रेडियस LS1 LS2 देनी है, और उसके बाद एंड पॉइंट दे देना है। स्टार्ट और एंड पॉइंट आप PI स्टेशन भी दे सकते हैं। अगर आप PI आपके पास लास्ट में है और सेकंड नंबर पर PI है, थर्ड नंबर पर PI है, तो आपने ये इसका डेटा इसी तरीके से उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई सिर्फ देंगे। सेंटर जो आपने कर्व कैलकुलेट करनी है उसका आपने पूरा डेटा देना है, एक्स वाई और उसका रेडियस और LS1 और LS2। ये कर्व आपको सर्कुलर कर्व, सादा कर्व के तौर पर भी हल करके देगी। अगर आपके पास स्पायरल कर्व नहीं है, सिंपल कर्व है, तो ये आपको सिंपल कर्व का भी हल करके देगा प्रोग्राम। तो ये बहुत यूजफुल प्रोग्राम है। मेरी वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। इसके अंदर मैं जस्ट आपको इसका तरीकाकार बताऊंगा कि आपने इसको कैसे इसके अंदर इनपुट करना है, और नीचे इसकी चीज़ों को, ये कैलकुलेशंस को मैं आपको दिखाऊंगा। तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और मेरी वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है और लाइक जरूर करना है। तो ये आप देख रहे हैं कि स्पायरल कर्व कैलकुलेशन विद डेटा PI डेटा LS1 एंड LS2। ये हमारे पास इनपुट डेटा है बिगनिंग ऑफ स्टेशन, ये हमारे पास मेन कर्व जो हमारी स्पायरल कर्व होगी उसका डेटा आएगा, और आखिर के अंदर हमारे पास एंड ऑफ कर्व जिधर हम एंड करना चाहते हैं उसका डेटा आएगा। तो ये नीचे इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी, बेरिंग डिस्टेंस, और इसी तरीके से हमारे पास TS स्टेशन, SC स्टेशन, CS और ST स्टेशन का स्टेशन, और इसकी ईस्टिंग नॉर्थिंग ये सामने आ जाएगी। उसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं, तो आप स्पायरल कर्व LS2 एंड सर्कुलर कर्व एलिमेंट्स कैलकुलेशन है। तो ये हमारे पास दरमियान में सर्कुलर कर्व्स की एलिमेशन है, और इधर स्पायरल इन और स्पायरल आउट की कैलकुलेशन है। स्पायरल इन के अंदर इसके जितने कर्व्स के एलिमेंट्स हैं सबकी कैलकुलेशन हो जाएगी। ये सबका पूरा इधर प्रोग्राम बना हुआ है, सारा इसका कैलकुलेशन हुई हुई है। आप इधर इसको डबल क्लिक करके इसको आप चेक कर सकते हैं। आपने इसको काम चेंज करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो आप इसको सेव एज करके कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपने आना है, ये इनपुट स्टेशन है। आपने जितने जितने इंटरवल के ऊपर आपको इसके स्टेशन के कोऑर्डिनेट्स चाहिए वो आपने इधर इनपुट कर देना है, और जितने जितना ऑफसेट चाहिए आपको वो आपने ऑफसेट इधर दे देना है। नीचे आप आएंगे तो ये हमारे पास सेंटर लाइन के इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और ये आपने जो ऑफसेट दिया होगा उसके कोऑर्डिनेट्स दोनों साइडों के ऊपर राइट और लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और ये साथ में आपके स्टेशन आएंगे। तो ये आप जो भी स्टेशन आप अपना इधर एंड तक देंगे तो ये सारा आ जाएगा। ये इसकी बहुत बड़ी शीट है, कैलकुलेशन सारी इसकी हुई हुई है। तो ये आपने इसके अंदर करना है। तो अभी हम इसके अंदर डेटा मैं आपको इनपुट करके बताता हूँ। ये इधर से डेटा जो इनपुट वाला कॉलम है इसको मैं इधर से खत्म कर दूंगा। ये खत्म करूँगा तो आप देखेंगे ये सारा हमारे पास इधर खत्म हो गया एरिया। तो ये आपने कैसे डेटा देना है, आप इधर आते हैं तो ये आपके पास स्पायरल कर्व हमारे पास जा रही है। तो आप इधर से इसका स्टार्ट पॉइंट ये वाला भी दे सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास मेन कर्व होगी उसकी आपने इधर से उसकी नॉर्थिंग ईस्टिंग और उसका आपने इधर से रेडियस देना है। रेडियस देने के बाद आपने उसका LS1 ये जो 250 की लाइन जा रही है, 200 दोनों साइडों के ऊपर है, ये आपने दे देना। तो ये आपका सारा डेटा इधर से कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाना आपने, और इधर से जो भी आपकी कर्व जा रही होगी उसका आपने नॉर्थिंग और ईस्टिंग जस्ट देके और उसको क्लोज कर देना। तो ये आपकी दरमियान वाली जो कर्व होगी स्पायरल कर्व उसकी कैलकुलेशन ये प्रोग्राम कर देगा। इसी तरीके से अगर आपके पास ये सिंपल कर्व है इसके अंदर स्पायरल नहीं है, तो ये आपका सिंपल कर्व के हिसाब से भी प्रोग्राम ये आपका कैलकुलेट करके देगा। तो बहुत यूजफुल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम की हम एंट्री करते हैं, ये डेटा मैंने इधर रखा हुआ इसके सामने, ताकि आपको भी ये शीट के अंदर इसी तरह मिलेगा। आप इसको इधर से देख के और इधर से मैं इसको इनपुट करता हूँ ये डेटा। तो आप ये देख रहे हैं बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, हमारा बिगनिंग ऑफ स्टेशन है 00, आपने 00 एंटर कर देना है। इसी तरह फर्स्ट शीट के ऊपर अगर आप आते हैं तो ये जो हमारे पास स्टेशन होएगा पहला, ये स्टेशन 00, उसकी नॉर्थिंग और इसकी ईस्टिंग आपने इसके अंदर इधर इनपुट कर देनी है इसी तरीके से। तो ये आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो स्टार्ट ईस्टिंग है वो है 4482.8.747। उसके बाद इसकी नॉर्थिंग को हम देंगे, ये वाली नॉर्थिंग की वैल्यू है 143
5877.552, ये हमने दे देना, ये हमारे पास स्टार्ट स्टेशन हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास जो कर्व है जिसका हमने मेन कर्व की कैलकुलेशन करनी है, ये कर्व भी हमारे पास आप ये देख रहे हैं कि ये कर्व की कैलकुलेशन हमने करनी है। इसकी नॉर्थिंग ईस्टिंग, उसका रेडियस हम इधर इनपुट करेंगे और उसके साथ इसकी जो लेंथ दी गई होगी स्पायरल की लेंथ दोनों साइडों के ऊपर, वो आपने इधर इनपुट कर देनी है। तो ये आपने कैसे करनी है इनपुट, आपने इधर सबसे पहले जो पी आई स्टेशन अपना वो आपने इधर दे देना है 3836.790। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, इसकी स्ट्रिंग की वैल्यू देनी है 4512.98.776। उसके बाद इसकी नार्दिंग की पॉइंट, नार्दिंग की वैल्यू है 1433.498.333। ये आपने इंटर कर देनी है। उसके बाद आपने रेडियस दे देना है, रेडियस हमारे पास 3500 का, वो आपने इधर इनपुट कर देना है। एल एस वन है हमारे पास 250 की 250, और उसके बाद हमने इधर 200 की एल एस की लाइन आपने दे देनी है। तो आप इधर आ रहे हैं तो देखने का हमने इधर पी आई स्टेशन दिया, उसकी नॉर्थिंग ईस्टिंग, उसका रेडियस, उसके बाद एल एस वन 250 और एल टू जो हमारे पास थी वो 200 की हमने इसके अंदर इनपुट कर दी है इस डेटे के अंदर। इसी तरीके से आप इधर आ जाते हैं, इनके ऊपर आप जो सा भी आपके पास इधर वर्टिकल कर्व है, अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल कर्व है नेक्स्ट शीट के ऊपर, ये आपने डेटा दिया है, और दूसरी शीट के ऊपर आते हैं तो आपने जस्ट इधर से इसकी नॉर्थिंग और ईस्टिंग की आपने दे देनी है वैल्यू को। तो शीट के ऊपर आ जाते हैं, इधर आपने ईओपी स्टेशन जो हमारे पास है वो है हमारे पास 8877.483। उसके बाद इसकी ईस्टिंग की वैल्यू 4500.28.351, और इसी तरीके से 12811.6.943 ये आपने इनपुट कर देना। तो ये आपने डेटा इसी तरीके से इसका देना है, जस्ट आपने इसके अंदर ये डेटा देना है और उसके बाद आपकी सारी कैलकुलेशन इधर कंप्लीट होती जाएगी। तो इधर से आप देंगे बेरिंग वन आ जाएगी, बेरिंग टू आ जाएगी, पी आई स्टेशन आ जाएगा, टी एस स्टेशन उसकी को उसका स्टेशन ईस्टिंग नॉर्थिंग, इसी तरह एस सी स्टेशन ईस्टिंग नॉर्थिंग, सी एस और एस टी की ये डिटेल इधर आपके पास आ जाएगी। और इधर आते हैं तो आपके पास ये सारा कर्व जितने भी ये एलिमेंट्स हैं हाँ इसके, ये सारे इधर कैलकुलेट हो जाएंगे आपके सामने, इनके भी और आउट के भी। और इसी तरह सर्कुलर कर्व को जो दरमियान में जो पोर्शन होएगा ये भी आपका ऑटोमेटिकली इधर से कैलकुलेट हो जाएगा। ये दरमियान में आप आते हैं तो ये जो देख रहे हैं ये जो सारी स्पायरल की कैलकुलेशन है ये सारी की सारी इधर हो जाएगी, और दरमियान में जो सर्कुलर वाला पोर्शन है उसकी कैलकुलेशन भी इधर आपके पास हो जाएगी। तो इसके बाद आपने नीचे आना है और जस्ट इधर से स्टेशन इनपुट कर देना कितने कितने फासले के ऊपर चाहिए। 10 मीटर के ऊपर चाहिए तो ये आरडीज आपकी इधर 10 मीटर की आ जाएंगे। आपको 20 मीटर के ऊपर चाहिए तो ये सारे 20 मीटर के ऊपर आ जाएंगे। 50 मीटर्स के चाहिए तो 50 मीटर के आ जाएंगे। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड जो ऑफसेट होएगा वो आपको जितने जितने डिस्टेंस के ऊपर चाहिए, 10 के ऊपर चाहिए तो इधर आपके ऊपर 10 आ जाएगा। राइट का 20 के ऊपर चाहिए तो 20 ही रहेगा। इसी तरह राइट का आप 30 के ऊपर लेना चाहते हैं तो आप इधर से राइट आपका चेंज हो जाएगा 30 के ऊपर। तो ये सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सारे, ये लेफ्ट और इसके सारे कोऑर्डिनेट्स वगैरह इधर आपके सामने, इधर पूरी कैलकुलेशन इसकी हो जाएगी। तो बहुत यूजफुल शीट है। आपने इस शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा, आप उसकी मदद से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने इस्तेमाल के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर देना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, और मेरे चैनल के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद हैं, उनकी शीट्स सबकी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा हुआ है, आप उधर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।